नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिंपल लिविंग में। आज है 9 अप्रैल और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे गार्डन में कौन कौन से फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो ये देखिए, मैं शुरुआत कर रही हूँ इस समर पेटोनिया से। ये समर पेटोनिया है, ये मार्च अप्रैल में ही इसकी ब्लूमिंग अच्छी होती है। ये देखिए, इस तरीके से इसके लंबे लंबे से प्लांट होते हैं। और सेकेंड देखिए, ये है फ्लॉक्स। फ्लॉक्स भी बहुत अच्छा खिल रहा है, बहुत। ये देखिए, इसके अलावा ये है देसी विन का। ये वाइट वाला है, छोटे से पॉट में, बिल्कुल प्लास्टिक का, ये वेस्ट मटेरियल है, इसमें ये लगा हुआ है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, बड़ा ही प्यारा सा, बहुत मतलब ये गर्मी के लिए बड़ा अच्छा रहता है। इसको आप जो है अपने गार्डन में लगा लीजिए, तो थोड़ी सी केयर में ये खूब सारे, देख रहे किस तरीके से फूल सब तरीके से सब तरफ से ये भरा हुआ है। और इसके बाद जो समर पेटोनिया है ना, उसी में ये वाला भी, एक दो ही कलर आता है, मतलब एक तो ये वाइट वाला आता है, वाइट रहता है, और ये वाला रहता है। इसके बाद ना मैक्सिकन पेटोनिया जो है, ये भी समर का ही खिलने वाला प्लांट है। ये बिल्कुल इसके कागज़ की तरह ऐसे फूल रहते हैं। ये मैक्सिकन पेटोनिया मतलब ये गर्मी का रहता है। ये तीन कलर में आता है, एक ये वाइट है, और इधर मेरा जो है एक पिंक है, अभी इसमें फूल खिला नहीं है, पिंक और एक थोड़ा सा पर्पल सा कलर आता है। तो ये तीन कलर इसमें होते हैं, ये आज ही खिला हुआ है बस। समर का बेस्ट फ्लावर प्लांट ये देखिए, सनफ्लावर। बहुत अच्छा फूल होता है समर के लिए, तो ये बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद ये देखिए गोरी चोरी, ये बिल्कुल, ये तो परमानेंट प्लांट है, फूल भी इसके पूरे साल, मतलब ये खिलते रहते हैं, सिर्फ विंटर में नहीं खिलते हैं। तो ये खिला हुआ है, मैं आज आपको वही वही दिखा रही हूँ जो बिल्कुल खिले हुए हैं इस समय। और अडेनियम, अडेनियम का तो अभी मैंने वीडियो बस बनाया है, दो दिन हुए शायद। और देखिए, तो बहुत अच्छा खिल रहा है, बिल्कुल समर का बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत ही बढ़िया इसमें फूल आ रहे हैं, बहुत अच्छा। और इसके अलावा परमानेंट प्लांट ये है ऑरेंज टिकोमा, ये भी समर का, और बिल्कुल ये सीजनल नहीं है, ये पूरा परमानेंट प्लांट है। ये देखिए पूरा भरा हुआ है, पूरा फूलों से बिल्कुल लदा हुआ है, सब तरफ से फूल ही फूल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई केयर इसको नहीं चाहिए। और मेरे गार्डन में एक छोटा सा, ये देखिए बहुत ही छोटा सा पर्पल हार्ट का फ्लावर भी खिला है। देखिए दोस्तों भाई, फूल तो ये भी है, कोई बात नहीं, जब ये यही पर्पल हार्ट का जो प्लांट है, अगर बहुत ज़्यादा लगा होता है एक जगह किसी जगह पे, और इस तरीके से फूल लगे होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छा प्लांट है ये। और कौन सा खिला हुआ है, ये देखिए ये वाला मॉस रोज खिला है, ये देखिए, ये है दो कलर हैं। ये वाला अभी जो खिले हैं वो सिर्फ मैं आपको वही दिखा रही हूँ, ये रेड वाला और ये वाला। और आपको दिखाऊँ मैं, ये अडेनियम जो है छोटे छोटे से पॉट्स में बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छी इसकी ब्लूमिंग है सब में, और बहुत छोटे छोटे से। ये देखिए ये बहुत छोटा है, ये कितनी बड़ी सी प्लेट है ये, और इसमें भी देखिए ये बड आ रही है, खिल जाएगा ये भी, काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ है। और ये देखिए ये पर्सलेन भी जो है, ये मेरे वॉश बेसिन में, पुराना वॉश बेसिन में खिलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब गर्म हो रहा है, थोड़ा टेम्परेचर होने लगा है, तो ये खिलने लगे हैं, लेकिन अभी उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं अभी, ये थोड़ा जब ज़्यादा गर्म और होगा तब ये और अच्छे तरीके से खिलेंगे। अब जैसे ये देखिए, ये वाला बस अब खिलने वाला है, ये पुराना लगा हुआ है, ये देखिए, और ये तो अभी मैंने लगाया था तो इसका वीडियो बनाया था। ये देखिए इसकी ग्रोथ एकदम से तेज़ी से बढ़ गई, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इसको। और मेरे गार्डन में, ऑर्गेनिक गार्डन में दोस्तों, मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनिक इसमें यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं ऑर्गेनिक गार्डन बोल रही हूँ, बहुत अच्छा गजानिया खिल रहा है। ये देखिए इसको बस यहाँ से ना पूरा पूरा हटा दिया करिए, बहुत अच्छी ब्लूमिंग होगी पूरी, इस तरीके से जैसे ये जैसे फूल निकाला ना, तो पूरा नीचे से भी कैंची से मैं ठीक से कट करूँगी, हाथ से ठीक से नहीं होगा। और अभी तो देखिए ये भी खिला हुआ है हॉली हॉक, ये आखिरी तक खिलेगा जब तक ये आसमान जैसे लग रहा है छूना छा रहा है बिल्कुल, ये देख रहे हैं कहाँ हाइट जा रही है इसकी, ये पूरी बड़े से खिलेगी। और इसकी ये देखिए, इसमें ना
सीड्स बनने का भी अब टाइम हो रहा है। जल्दी मैं जब पूरा खिल जाएगा ना फिर इसके सीड्स कलेक्ट करूँगी। सीड्स इसमें बन रहे हैं इसके। तो ये हो गया हॉली हॉक और गुड़हल में भी खूब फूल खिल रहे हैं, बहुत अच्छी। इसमें पूरे ये देखिए सब अच्छे से, काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें पूरा मतलब भर गई हैं पूरी जितनी भी बर्ड्स हैं ना, ये देखिए सब काफ़ी अच्छी है। हर एक ब्रांच में ढेर ढेर सारी बर्ड भरी हुई है, ये देखिए किस तरीके से इसमें बर्ड्स हैं। ये और सिर्फ ये चाय की पत्ती और कंपोस्ट और बनाना पील, यही सब चीज़ों का कमाल है। ये देखिए एक छोटा सा दोस्तों, ये यहाँ कटिंग पता नहीं कैसा लग गई, इसमें भी ये फूल आ गया पर्सलेन के। आज जो है ये रेड वाले एक्जोरा में भी फूल इस तरीके से बस खिलना शुरू हो गया है। और आज अपराजिता में ये देखिए, आज ब्लू वाला नहीं मुझे दिख रहा है, आज वाइट वाला दिख गया। ये देखिए वाइट वाला अपराजिता बटरफ्लाई पी, ये भी खिला हुआ है, ब्लू वाले में तो आज दिख ही नहीं रहा है। और ये देखिए, ये खैर ये तो बर्ड्स हैं सारी। इसमें से ही मैंने शक्कर हटाया था इस वाले प्लांट से, तो अब इसकी सही ग्रोथ है। ये पूरा देखिए कितनी सारी बर्ड्स हैं गुलाब की। और गुलाब तो मैं दिखा रही हूँ लेकिन यह है कि इंग्लिश गुलाब का वो चीज़ नहीं है। इनके जो जैसे इतने बड़े बड़े से ये फूल होते थे ना, बहुत छोटे होने लगे हैं। मौसम गर्म होता है तो ये इसी तरीके से होते हैं, देसी वाले तो अपने चलते रहते हैं। और आपको मैं, ये मेरा येलो वाला गुलाब है, अब इसको तो हटा ही देना है। और हटा करके यहाँ पे नहीं डालना है, गमले में बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो फंगस लग सकती है। ये देखिए ये मेरा कटिंग से लगाया हुआ गुलाब है और बहुत अच्छा खिल रहा है। ये देखिए ये कटिंग से है। और ये देखिए ये डैंथस भी है, ये भी कटिंग से ही लगाया हुआ है, तो ये खिला हुआ है। और इधर पैंसी भी, पैंसी भी कलर अब थोड़ा सा देखिए फेड हो रहा है। और इसके बाद है ये जरेनियम, जरेनियम में खुल रहे हैं फूल और अब इसकी भी मैं जल्दी ही कटिंग तैयार करूँगी। ये देखिए ये डॉग फ्लावर्स हैं, ये भी बहुत अच्छा खिल रहे हैं। और इसके बाद आज खिला हुआ है मतलब, ये देखिए ये वाला विनका, ये भी बहुत अच्छा खिल रहा है। ये विंटर फ्लावर पैंसी, ये भी खिला हुआ है। इसके बाद खिला हुआ तो दोस्तों ये पेटोनिया भी है विंटर का, विंटर वाला, लेकिन इसके सीड्स मैं आपको कलेक्ट करके बता चुकी हूँ। अभी ये खिल रहे हैं तो मैंने इनको छोड़ रखा है, और सीड्स बन जाएंगे तो फिर मैं और उनको कलेक्ट कर लूँगी। इसके बाद ये देखिए ये है साल्विया, साल्विया भी इस पहले से ये प्लांट अच्छा हो गया क्योंकि इसकी मैंने जो फेड वाला वो थी ना स्टेम थी उसको कट कर दिया था। और इधर है ये खिला हुआ है डांथस, ये देखिए मैं आपको खिले हुए फूल दिखा रही हूँ ना, लेकिन मुझे इसके एक्चुअली मैं सब छोड़ रखा है मैंने, इसको सीड्स मुझे कलेक्ट करने हैं। इसके बाद ये है एमरस लिली, एमरस लिली में भी ये तो खिला हुआ है। और हाँ एक मैम ने कमेंट पूछा था कि उनके फूल ये खिल चुके हैं तो उसको स्टॉक को काट कट कर दें, हाँ बिल्कुल कट कर दीजिए। ये जैसे आप देखिए इसमें क्या होता है ना, एक इधर खिलता है फूल, एक इधर और एक इधर इधर, तो इधर वाले दोनों खिल चुके हैं है ना। ये जब फेड हो जाएंगे तो यहाँ से आप अपना कट कर दीजिए पूरा नीचे से, क्योंकि अब इसमें फूल नहीं आएगा। ये देखिए और ये है, उन्होंने बोला कि आप एक कमेंट में एक वीडियो बना दीजिए तो मैं आपको इसी में बता दे रही हूँ। ये देखिए अब जैसे इसमें फूल आ रहा है और बल्ब मैं इसी में छोड़ देती हूँ, मैं इसको हटाती नहीं हूँ। ये मेरा कई साल से बल्ब सारे इसी पॉट में, मैं नहीं रिपोर्ट करती। और ये लैंटाना में भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, बहुत बढ़िया हो रही है। इसके बाद और ये हिबिस्कस है, ये इसमें खिला हुआ है। ये देखिए ये बड़ा, ये मतलब रेड वाला है। और ये जो है कैंडी टफ्ट, ये देखिए ये है, ये भी खिले हुए हैं लेकिन अब ये है कि इसको अभी ये भी अब सूखना शुरू हो गए हैं। खिले हुए फूल में दोस्तों ये देखिए एक छोटा सा भी खिला हुआ है, ये स्वीट विलियम है, मतलब डायंथस की ही वेराइटी है। और ये देखिए इधर भी खिल रहा है। इसके अलावा ये जो है ना डॉग फ्लावर, ये तो अभी काफ़ी टाइम तक खिलेगा, सीड से ही लगाया हुआ है। ये भी खिले हुए फूल में दोस्तों ये देखिए गैलेडिया, ये गैलेडिया ये समर का फ्लावर है, इसको मैं अब थोड़ा सा छोड़ दिया है मैंने। ये देखिए मैंने क्या किया है ना, ये बहुत पुराना लगा हुआ है मेरा प्लांट,
इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया है इस तरीके से, इससे सीड बनने के लिए, उसका सीड बन जाएंगे तो फिर मैं इनको फिर से और लगाऊँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा प्लांट लगा, बड़ा ही हार्डी प्लांट है, इसके कांटे जैसे रहते हैं, इसके जो सीड रहते हैं ना, गर्मियों का बेस्ट प्लांट ये देखिए बोगनवेलिया, इसके बिना तो कोई भी गार्डन जो है ना वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता, गर्मी का तो स्पेशली। अभी ये इसको मैं देखिए हिल रहा है, ये देखिए इस तरीके से इसके कलर, वैसे इसमें रेड आता है, अभी इसमें वाइट है, ये इसमें फूल रेड कलर के आते हैं। और ये दूसरा वाला है, ये देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और भाई 9 अप्रैल है और ये देखिए गर्मी भी है, और खिल रहे हैं हमारे यहाँ क्राइसेंथेमम भी खिल रहा है, क्योंकि इसको मैंने मतलब बिल्कुल ऐसी जगह रखा है ना जहाँ धूप नहीं पड़े। ये जो है ना कलंजोई, ये थोड़ा बहुत अब जैसे मुरझा रहे हैं, अब इनको मैंने आपको ना देसी वाले का, इसका देखिए इसका वीडियो बना के बताया था, इसके सीड्स कलेक्ट करना बताया था, तो ये देसी के तो सीड्स कलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये वाले जो कलंजोई होती है ना, इसको कटिंग से बड़ा आसानी से आप लगा सकते हैं। तो मैं बहुत जल्दी इसकी जो है कटिंग तैयार करने वाली हूँ, पहले भी मैं कटिंग लगा चुकी हूँ और लेकिन ना मैंने कटिंग का वीडियो नहीं बनाया था। ये देखिए ये छोटे से पॉट में बिल्कुल लगाया हुआ है मैंने, काफ़ी दिन से लगा हुआ है, मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए, और इसमें फूल भी बराबर निकल रहा है, ये कटिंग से ही लगाया, तो उसमें से भी मैं कटिंग निकाल के फिर तैयार करूँगी और प्लांट। और आपको फूल दिखाने थे ना, हाँ ये देखिए इसमें जो है बेगोनिया में भी फूल खिल रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और एक चीज़ और दिखा रही हूँ आपको चलते चलते, ये देखिए ये मैरेंटा के मैंने इसको लगाया था सिबल से, और ये लग गया, कितना बढ़िया, कितनी अच्छी ग्रोथ होने लगी। चलिए दोस्तों, बाय, थैंक यू।